केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरते हुए नक्सलवाद को खुली चुनौती दी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती और भटकाती रही है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने राम मंदिर का केस जीता और श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश भर के मठ मंदिरों पर संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों और आदिवासी सहित दलित नहीं है। मनमोहन सिंह को याद करो जब उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू पर संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। श्री शाह ने भी कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया है। उन्होंने नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बचे नक्सली सरेंडर कर दो वरना लड़ाई का परिणाम आप जानते हो। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई कांकेर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 11 की 11 जीतनी है या नहीं जीतनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय। श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजा साहब किरण देव सिंह जी, भाई केदार कश्यप जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अजय चंद्राकर जी, विक्रम उसेंडी जी, मोहन मंडावी जी, रजनीश सिंह जी, महेश कुमार जैन जी, यशवंत जैन जी, भूपेंद्र नाग जी, भरत मटियारा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी भाई भोजराज नाग जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ये पत्रकार जरा सेट कर कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए, स्टैंड पर सेट कर दो फिर बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, पीछे दिखाई पड़े, माताएं बहनें पीछे बैठी हैं। चलो पत्रकार भाइयों के लिए ताली बजाओ, सभी लोग बैठ गए हैं। आज कंक ऋषि की इस महान तपोभूमि पर माता दंतेश्वरी, माँ योग माया, कांकेश्वरी, माँ बलमेश्वरी, माँ महामाया, शीतला माता, बड़ा देव और बूढ़ा देव, सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए शहीद होने वाले शहीद गेंद सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और हम सब ने अपने जीवन में इस 17 तारीख को एक अनुपम दृश्य देखा। 500-500 साल से टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हमने दिया। भाई और बहनों, जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए,
कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान, मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दी। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए, नहीं गए। उनको जो करना है वो करने दो, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम, बद्री धाम और अब सोमनाथ का मंदिर भी सोने का फिर से बन रहा है। भैयों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया राहुल बाबा, 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप। मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया ये कांग्रेस पार्टी ने? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हां ना बोलना भाई, बनाया, जोर से बोलो बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदू पत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, नल से जल दिया, किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा, ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा, ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से, कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला।